तो हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हो ऐसे ट्रम में सफ़र करने। पहले कभी किए नहीं है, देखते कैसे लगता है। फर्स्ट टाइम है। ओके सी यू सून। तो चलते हैं धीरे 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 बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले पहनना ज़रूरी है मास्क, क्योंकि भीड़ बहुत है भाई। और क्योंकि यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि थोड़ा दूर अभी आगे जाएंगे तो आगे जाएंगे थोड़ा देर तो फिर स्टेशन भी मिलता है रोड के पास, तो इसलिए और भी ज़्यादा दूर हो जाता, भीड़ ज़्यादा हो जाता है। कमी कमी स्टार्ट पीपल लाइफ यार। तो चलते हैं धीरे धीरे। ये भाई कलकत्ता की टैक्सी, वैसे तो यहाँ पीला टैक्सी ज़्यादा फेमस रहता है। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को, और कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कैसा लगा। ये क्या है भाई, जो खाने में बहुत क्रंची होता है, मज़ा आता है। ये है भाई ताज, ताज महल। भाई शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम के लिए बनवाया था, बट वो जो ड्राइवर वाले अंकल है वो अपनी वाली के लिए बनाया, बोले था अपनी ऑटो के लिए बनवाया है। इस रोड पे नहीं चलती है, आगे जाना होगा मुझे। वो भाई पार होने के लिए दिक्कत लग जाती है, क्योंकि बहुत भीड़। चल रही है कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे, देखना होगा। वेट करते हैं थोड़ा देर, देखते हैं क्या होगा। फाइनली आ तो गए हैं। और ये रही भाई ट्रम, क्योंकि यहाँ से ट्रम चलती है, ये पटरी लगाया हुआ। और अब कब आएगी वो तो देखना होगा भाई। गाइस वेट करते हैं थोड़ा देर, फिर चलेंगे सफ़र करते हुए, तभी तो मज़ा आएगा। किधर से भी आएगी, राइट या लेफ्ट किधर से भी आएगी चलेगा। चलिए लंबे समय तक वेट करना होगा।
गाइस फाइनली इसके लिए मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा और अब आ ही रही है। बोला जाए तो कम से कम 15-20 मिनट तो वेट करना भाई। ओ भाई हाँ, बट सब्र का फल मीठा होता है। आ रही है ट्रम, चार यार पहली बार चढ़ूंगा, मज़ा आएगा मुझे। और चढ़ के बहुत मज़ा आएगा। फॉर लेडीज बैक साइड बैठने में मज़ा आएगा, देखते हैं चलते गाइस। इसलिए खाली रहता है ट्रम क्योंकि ये ना बहुत स्लो चलता है, बस इससे ज़्यादा स्पीड चलती है, ठीक है। और बस तो सबसे ज़्यादा स्पीड चलती है, इसलिए लोग बस पे ज़्यादा सफ़र करना चाहते हैं। और भाई सबको क्योंकि टाइम नहीं रहता सबके और सबको चाहता है कि जल्दी में हो जाए, लोग बैक साइड अराउंड। इतना मज़ा आ रहा है भाई पहली बार। तो चले इधर बैठते हैं, देखते हैं गाड़ी में कैसा साउंड कर देता है गाइस। गाइस सही में बहुत बहुत स्लो चलती है, इसलिए मतलब लोग ऐसा सफ़र करना नहीं चाहते था क्योंकि टाइम कम रहता है लोग के पास और जिसमें जल्दी और कम समय में वही देखते हैं लोग। तो इसलिए सबको बस में सफ़र करते हैं क्योंकि बस बहुत स्पीड चलती है। बाइक से, टैक्सी से, उबेर से, कार से ज़्यादा वही चलती है बस। और गाइस देख रहे हो जैसा कि रुकते रुकते हुए चल रहा है। और ये भी कलकत्ता में हर साइड देखने को मिलता है, उसमें आप सिंगल बैठ सकते हो, लोगों के सामान वामान भी ले जाने को ऐसा सुविधा मिल जाता है। ऐसा तो बहुत ट्रांसपोर्ट का भाई कितना भयानक आवाज़ कर रही है या ऐसा लग रहा है गदून चल रहा है। देखते हैं हम उतरने का कोशिश करते हैं इधर। देखते हैं अभी उतर रहे
और मुझे ये टिकट भी मिल गया था, ये अच्छा लगा वैसे मुझे ट्रांसपोर्ट करके। दिखाता हूँ बैक साइड से, दैट इज ओ भाई, इधर से भी एक ट्रम आ रही है, इसका भी वीडियो बनाते हैं भाई। इसमें काफ़ी सारा भीड़ है, कैसा लग रहा है भाई, बहुत मस्त है यार। कभी घूमा फिरा करो, सभी को चल करता आओ, यही तो लाइफ है। तो चलते हैं अब, मुझे जिधर जानी है ओ जाएंगे। फिर जाओ थोड़ी देर ग्राउंड में दौड़, अभी दौड़ेंगे यार, वैसे तो रात में नहीं हुआ है, थोड़ा देर दौड़ेंगे, उसके बाद फिर मुझे रूम जाना है। ऐसे तो टाइम हो ही गया है जाने का, ज़्यादा देर नहीं हुई है। ओ अच्छा अच्छा देखे देखे, बहुत भीड़ रहती है यार। कलकत्ता में वैसे आपको बहुत जगह घूमने को मिल जाएगा, कितना स्पीड में चलता है यार बस। सबसे ज़्यादा वही लोग चाहता है ऐसा बस, सभी को धीरे मतलब हर गाड़ी वाड़ी धीरे धीरे चलती है, बट बस जो है ना वो सबसे स्पीड चलती है। ओके तो चलो देन एंड करते हैं वीडियो को, ये समाप्त।